अस्सलाम वालेकुम जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली इंट्रोडक्शन फॉर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये बिजनेस स्टडीज़ के लिए अकाउंटिंग की, जिसका जो कंप्लीट नेम है वो है अकाउंटिंग बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजन बाय रॉबर्ट एफ मिक्स। आपको आउटलाइन के ऊपर नेम मिलेगा मिक्स एंड मिक्स का। बेसिकली ये दोनों ब्रदर्स हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया, ये बुक लिखी है अकाउंट्स के ऊपर। अब इस बुक से हमने कौन कौन सी क्लासेस जो हैं उससे डील करनी है। हमारे पास यहाँ पे बी कॉम वन भी है सेमेस्टर सिस्टम, बी बी ए सेमेस्टर सिस्टम, और जितने भी अकाउंट्स जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, ये वो वाली जो अकाउंटिंग है इसमें क्या होगी, ऑटोमेटिकली इसमें कंसेप्ट्स जो हैं जनरली वो रिकवर हो जाएंगे। और साथ साथ ये एनुअल सिस्टम में आई कॉम एंड बी कॉम की क्लासेस के लिए भी एक ईजी वे है अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। लेक्चर की डिटेल में और न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसकी बेसिक्स हैं या चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आएंगी उस पर एक जनरली डिस्कशन कर लेते हैं। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर की जो आउटलाइन होगी उस पर जनरली हम एक डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें जो नेक्स्ट चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले जी हमने इस चैप्टर में ये देखा है कि हमारे ये जो डिस्कशनेबल टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द सेकेंड टॉपिक इज द बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने इंट्रोडक्शनरी वाले जो लेक्चर्स थे उसमें देखा था कि एसेट्स आर इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो इक्वल है जी अपनी लाइबिलिटी के और ऑनर्स इक्विटी के। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अकाउंटिंग एलिमेंट तो बेसिकली पांच है, एसेट एक्सपेंसेस, दूसरी साइड पे आपका लाइबिलिटीज रेवेन्यूज एंड कैपिटल। पहले दो में अगर इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट, अगले तीन में इजाफा हो तो क्रेडिट, कमी हो तो डेबिट कर रहे होते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ पे जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हमारे पास प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीकेकार क्या होगा कि आपने सबसे पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। एसेट साइड पर हमने सारे के सारे एसेट्स मैंशन करने हैं। अच्छा, एसेट्स को लिखने की जो तरतीब है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म पीरियड के एसेट्स हैं उनको लिख लें, फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म पीरियड के एसेट्स हैं उसको लिखें। एट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। कोशिश करें कि इस फॉर्मेट में एसेट साइड को ज़रा ज़्यादा पीरियड दे दें, लाइबिलिटीज़ को एंड ऑनर्स इक्विटी को ज़रा कम दे दें स्पेस, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं एक सीक्वेंस फॉर्म में आ सकें। अब एसेट्स कौन से आ सकते हैं मैक्सिमम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ये मैंने लिख दी हैं, बाकी जैसे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे आते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपके एसेट्स हैं अकाउंट रिसीवेबल, बैंक, उसके बाद फिक्स एसेट में आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें अकाउंट्स पेबल हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस आपका कैपिटल है। कैपिटल जो है ये साथ साथ चलता जाएगा, कभी इसमें कमी होगी और कभी इसमें इजाफा होगा। सेकंड जो डिस्कशन के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या है कि आपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल वर्थ होती है वो बतानी है। फाइनेंशियल वर्थ क्या है जी, बिजनेस क्या इस काबिल है भी है कि हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट में जा रहा है या लॉसेस में जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, बैलेंस शीट में बतानी होती है। अब यहाँ पे बात चलेगी दो किस्म की बैलेंस शीट पे, एक आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी और दूसरा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट का पता आपको कैसे चलेगा, नंबर ऑफ यहाँ पे जो ईयर मेंशन किया होता है, नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन किए होते हैं उससे। अगर वो ये कहे जी फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ईयर डाटा 2004 एंड 2005 प्रिपेयर द बोथ बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो फिर आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग डाटा को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ओपनिंग ईयर की डेट के साथ डाटा के साथ एंड क्लोजिंग ईयर की डेट एंड डाटा के साथ। मेरे पास यहाँ पे दोनों बैलेंस शीट के एक जनरल फॉर्मेट बने हुए हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपके एसेट्स हैं जिसमें करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स एक तरतीब के साथ हैं, एंड दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज हैं जिसमें करंट लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी है। और दूसरी साइड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट आ रहा है जी, ये दिखने का मकसद क्या है, इसमें है सारी चीज़ें वही आती हैं जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में होती हैं। अब यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क क्या होता है, आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है इस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। एडजस्टमेंट किस किस्म की हो सकती है जी, सर प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग जो आपकी सैलरीज वगैरह होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, या कुछ भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, बैड डेट्स की होती हैं, ड्राइंग्स की होती हैं एंड सो ऑन। ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ये आपने किसके अंदर सॉर्ट आउट करनी होती हैं, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो ये सॉर्ट आउट करने के बाद आपको लास्ट पे ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल आपको पता चल जाता है कि कितना निकला है। याद रहे आई कॉम एंड बी कॉम पार्ट वन में हम इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
के नाम से भी पहचानते हैं। अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो करते हैं वन बाय वन, ताकि हमारी जो है इसमें ग्रिप स्ट्रांग होती जाए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं इसका इंस्टेंट आपको रिप्लाई करूँगा। आप पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।